हेलो एवरीवन, दिस इज नीता एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निट्स लाइफस्टाइल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर DIY एंड होम डेकोर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं। और आपको अगर इस तरीके का वीडियो देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बात करते हैं अब आज के वीडियो के बारे में। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत स्पेशल है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में अपना डाइनिंग एरिया का मेकओवर। और इस मेकओवर में जो भी DIY मैंने यूज़ किया है उन सब का सेपरेट वीडियो बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप बाद में चेक कर लीजिएगा। साथ साथ जो भी प्रोडक्ट्स मैंने ऑनलाइन यूज़ किया, मतलब ऑनलाइन खरीद के यूज़ किया है, उन सब का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में बिफोर लुक शेयर कर देती हूँ। तो मेरे लिविंग रूम में बस इतना सा ही एक छोटा सा कोना है जहाँ पे हम अपना डाइनिंग एरिया सेटअप करेंगे, और ये मैंने तभी शूट कर लिया था जब हम नए नए इस फ्लैट में आए थे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम लाइट से करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये ऊपर वाले वॉल पे पेंडेंट हैंगिंग लाइट्स लगवा रही हूँ, और ये लाइट जो है ना एंटिक लुक का है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था लिविंग रूम में लगाने के बाद में। और सेम वैसा ही लाइट हमने वॉल पे भी लगवाया है। इस तरीके का पेंडेंट लाइट या फिर वॉल लाइट अगर आप अपने घर पर लगाते हैं ना, तो पूरे घर का लुक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। और अब हम इस डोर पे कर्टन हैंग करेंगे, और मैं फिर से सेम वाइट कर्टन ही हैंग करूँगी, लेकिन ये वाला जो कर्टन है ना, नेट का कर्टन, ये उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है जितना मेरा पहले वाला था, और इसका लुक जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा प्रिटी है। एक्चुअली मेरे लिविंग एरिया का साइज़ जो है वो बहुत छोटा है, इसी वजह से मैंने वाइट कर्टन चूज़ किया नेट वाला, कि थोड़ा स्पेस जो है वो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे। और अब यहाँ वॉल पे मैं अपना ये DIY किया हुआ वॉल आर्ट लगाऊंगी, और ये वॉल आर्ट जो है ना मैं डबल टेप के हेल्प से ही लगा रही हूँ, मैं कोई ड्रिलिंग या फिर कील वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ। और ऊपर यहाँ पर हम ये ब्लेस्ड होम को लगाएंगे, ये भी मेरा DIY किया हुआ है। और दोनों साइड पे मैं ये मेटल वॉल प्लांटर को हैंग करूँगी। ये वॉल प्लांटर सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और हैंग करने के लिए मैंने एडिसिव हुक का यूज़ किया है। और यहाँ पर मैं ये क्रिपर्स को इसमें रखूँगी, क्रिपर्स रखने के बाद में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा था। अब हम कारपेट को बिछा देंगे, और कारपेट मैंने इस तरीके का ब्लैक एंड वाइट कलर का चूज़ किया है, क्योंकि कर्टेन जो है वो बिल्कुल ही प्लेन मैंने लगाया है, इसी वजह से ये कारपेट जो है ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था लुक को। अब हम फटाफट से टेबल चेयर लगा देंगे, और चेयर को मैं इस तरीके से एक एक साइड से ही रखना पसंद करूँगी, क्योंकि मेरा 4-सीटर डाइनिंग टेबल है और मैं दो दो चेयर को एक साथ अगर लगाऊँ तो उठने बैठने में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है। और ये डाइनिंग टेबल मैंने कहाँ से लिया है और कितने में लिया है उसका वीडियो है मेरे चैनल पर। और टेबल पे हम ये एक बहुत ही प्यारा सा छोटू सा रनर को बिछा देंगे। और डाइनिंग टेबल पे मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं रखना चाहती हूँ, तो मैं सिर्फ ये एक ग्लास वास को रखूँगी। मैं ट्रे वगैरह भी फ़िलहाल नहीं रखना चाहती हूँ इस पे, और इस वास में हम ये ढेर सारे खूबसूरत से फ्लावर्स को रखेंगे। और ये फ्लावर ना कहने को आर्टिफिशियल है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक है इसका। और अब हम लास्टली इस कॉर्नर एरिया पे एक प्लांट स्टैंड को रखे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनरी ऐड करना था। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे लिविंग एरिया में ना सनलाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट ही रख रही हूँ, क्योंकि नेचुरल प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा। और यहाँ कर्टन पे मैंने ये एक आर्टिफिशियल वाइन्स को हैंग किया है, कि कर्टन का लुक जो है वो और ज़्यादा अच्छा लगने लगे। तो चलिए अब हम आपके साथ में फाइनल रिवील शेयर करते हैं।
तो मैं आप लोगों के साथ में मॉर्निंग लुक भी शेयर कर देती हूँ। तो सुबह सुबह कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा डाइनिंग एरिया। तो चलिए अब हम शेयर करते हैं आपके साथ में इसका नाइट लुक। सारे लाइट्स ऑफ करने के बाद में जब ये सिर्फ ये दो लाइट चलते हैं ना, तो इस डाइनिंग एरिया का लुक जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ कर्टन के पीछे मैं कुछ स्ट्रिंग लाइट्स लगाना चाहती थी, पर अभी मैंने फ़िलहाल छोड़ दिया है, लेकिन आगे चल के मैं ज़रूर लगाऊंगी। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये आज का डाइनिंग एरिया मेकओवर वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको इस मेकओवर का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं अपने आने वाले वीडियोस के अपडेट एंड पिक्चर्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी मेरे चैनल पे बहुत से मेकओवर वीडियो आने वाले हैं। और आपको अगर मेकओवर वीडियो देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय।